बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सुप्रीमो मायावती जी पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर अभिनेता रणदीप हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और बहुजन समाज के नेता संदीप वाल्मीकि ने भी पंचकुला के अंदर रणदीप हुड्डा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत दर्ज करवाते हुए रणदीप हुड्डा के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली से एक्स मिनिस्टर और अभी हम लोग पंचकुला डीजीपी ऑफिस में जो रणदीप हुड्डा ने हमारी समाज की सम्मानित महिला मायावती जी के खिलाफ जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है और उस पर कार्रवाई के लिए आज हमने एक कंप्लेंट फाइल की है, डीजीपी साहब को दिया है। और अगर इस पर कार्रवाई ये लोग जल्दी नहीं करते हैं तो इस तरह की भद्र टिप्पणियाँ, कभी मुनमुन दत्ता बोलती है, कभी युविका चौधरी बोलती है, कभी युवराज सिंह बोलता है, तो ये लोग बार बार हमारे समाज का टेम्पर क्या चेक करना चाहते समझ में नहीं आता। हम लोग 85% इस देश का निर्माण में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनली बाप हैं, लेकिन ये लोग बाबा साहब का अपमान करने में भी पीछे नहीं रहते। और एक महिला के लिए इतने अभद्र जो जोक का इसने इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ इस आदमी को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो भी लोग समाज में घूम रहे हैं, जो असामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संविधान के खिलाफ इस देश में कोई षड्यंत्र आरएसएस का या भाजपा का या कांग्रेस का मिली जुली है कि इनकी रणनीति है कि इन लोगों को अपमानित करो बार बार, इनके जाति से, इनके पैसे से या किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करो। और देखो ये लोग चाहते हैं।